वीरेंद्र सहवाग बनेंगे टीम इंडिया के मुख्य सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर। बीसीसीआई ने बयान जारी कर अपडेट दिया है, जहां चेतन शर्मा को मुख्य चयनकर्ता पद से बर्खास्त किए जाने के बाद से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नए चयनकर्ता की तलाश कर रहा है। अभी तक वीरेंद्र सहवाग को भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इस बीच बीसीसीआई सदस्य के हवाले से एक बयान जारी किया गया है। दरअसल हाल ही में एक अधिकारी ने बताया है कि भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग इस पद के लिए आवेदन करने के भविष्य पर बड़ा बयान दे चुके हैं। चयन चेतन शर्मा को चीफ सिलेक्टर पद से हटाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नॉर्थ जोन से किसी को चयनकर्ता बनाना चाहता था। इसके लिए पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन अब हाल ही में रिपोर्ट्स आई है वो इस पद के लिए आवेदन नहीं करना चाहते हैं। हाल ही में बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि वीरेंद्र सहवाग को चीफ सिलेक्टर बनने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है कि वीरेंद्र सहवाग अगर चीफ सिलेक्टर बनेंगे तो टीम इंडिया को बहुत फायदा हो सकता है।